देखिए जैसे हम विश्वकर्मा कॉलोनी पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना सा पानी भरा हुआ है। आपको दिखाते हैं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पानी का जो लेवल है बराबर ऊपर उठ रहा है। देखिए बच्चा किस प्रकार से जा रहा है और कमर तक पानी है। हम लोग अभी अंदर जाने के बाद हम लोगों ने कोशिश की किस तरह से लोग दैनिक जीवन जीने पर मजबूर है। ये खड्डा कॉलोनी पाटू कहलाती है, खड्डा कॉलोनी पाटू है, विश्वकर्मा कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी है, मतलब पाटू है, खड्डा कॉलोनी पाटू। हाँ, तो अभी तो पानी बहुत भरा हुआ है जी। लोग निकल निकल के बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोड पे। सरकार से कोई राहत बचार का? देखिए सरकार है, इनसे बात करेंगे, और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से बिस्तर, देखिए ये लेके जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, अभी तो इसी जन रह रही हूँ, क्या करूँ, घर सामने में है, सारा सामान तो अंदर ही पड़ा हुआ है, बाल बच्चा सब हर दिन सुबह से भूखा ही, 8 बजे ही डायरेक्ट पानी चला आया यहाँ पे। अच्छा। हाँ तो क्या करें, सारा सामान तो घर ही में है, बाहर कहाँ निकल कर, कहाँ जगह है, कहाँ पर रहेंगे, कहीं रहने का तो अभी सुविधा है नहीं। यहाँ के निगम पार्षद से कोई राहत बचाव का कुछ ऐसा कुछ हुआ? कुछ अभी कोई बात विचारते हैं, निगम से होगा नहीं कुछ, नहीं निगम पार्षद से या सरकार से कोई राहत बचाव बात नहीं, अभी कोई बात किसी से नहीं हुआ, कोई नहीं अभी उधर से आया है पूछने पाछने के लिए, कोई नहीं आया से कैसे तुम लोग रह रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई अभी कहीं पर से पता नहीं है किसी का, सारा पब्लिक वैसे ही मर रहा है। आप देख सकते हो किस प्रकार से, ये देखिए बिस्तर, इनका बिस्तर जो है वो ये देखिए ई रिक्शा में रखा हुआ है और मुर्गे भी पकड़ रखे हैं, किस तरह से ये जीने पे मजबूर हैं। पानी पूरा घर में भरा पड़ा है, घर पानी से भरे हुए हैं। आप देखिए किस तरह से पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हुई है, सारे लोग यहाँ पे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जी। पानी तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ, हम लोग अंदर गए थे देखा, अभी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आप यहीं रहते हो? नहीं, हम उधर रहते, कौन रहते हो? तो यहाँ लोग कैसे अब जीने पे मजबूर हैं? पानी रास्ते भरा हुआ है, रास्ते भरा है पानी। कल तक पानी इतना नहीं था, कल तक वो झूले तक था पानी, झूले से अब इधर आ गया। झूला किधर था? झूला है। अच्छा, झूला लगा हुआ था। हाँ, झूला लगा। अब तो पानी घर तक घुस गया है? अब तो घर तक घुस गया, लोग वहाँ निकल। यहाँ कोई रहता है, अंदर कोई रहता है, ऐसा कोई है हमारे बीच में? नहीं है। देखिए, अच्छा, सब उस पार चले गए? हाँ, ऊपर रोड पे चले गए। अभी वो लोग कहाँ रहेंगे? अब वहीं रोड पे जो कि अपने डाल के पन्नी उन्नी डाल के रह रहे हैं। देखिए ये सज्जन है, इन्होंने बड़ी बात कही है, यहाँ से लोग निकल गए, सरकार की तरफ से कोई राहत बचाव का नहीं आया अभी तक, कह रहे हैं कि झुग्गी डाल के वो रहेंगे, यानी कि वो अपने झुग्गी बनाएंगे और रोड पे ही रहेंगे, रोड पे रहने की व्यवस्था करेंगे। तो अब देख सकते हो आप देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है, और देखिए वो जा रहे हैं। अभी कहाँ यही रहते हो आप? हाँ जी बोलो। यही रहते हो आप? हाँ जी। तो कैसे रह रहे हो, पानी भरा हुआ घरों में? तो बस अभी गैरेज था, गैरेज के अंदर गाड़ी सबको खाली करके अब सब गाड़ी को अलग अलग किया हूँ। अब इस रात में तो पानी था नहीं। अच्छा। पानी के लिए लॉट किया हुआ था पहले की खाली करने के लिए, लेकिन आदमी क्या करे कि अब नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ गया सुबह, पानी आ गया। हाँ, सुबह में पानी तो था नहीं जी, सुबह में नीचे तक पानी था, सुबह के बाद आया पानी। सुबह के बाद पानी आया, कितने बजे लगभग? बाद। अच्छा, अभी पानी बढ़ रहा है बराबर? हाँ, थोड़ा बहुत तो बढ़ ही रहा है जी। अभी देखिए पानी का लेवल जो है बराबर बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोग यहाँ से निकल के बाहर अपना खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई राहत बचाव कर नहीं आया हुआ है। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।